हम लोग की तरफ से ठीक है। देखिए हम दिक्कत नहीं है, सिकवा शिकायत देखिए, सिकवा शिकायत आप आपका भी शौक नहीं है, आपका भी बैकग्राउंड अंबानी परिवार का नहीं है, आपका बेटा सीएसएफ बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी भी नहीं है। आप बहुत मेहनत से इस यहाँ तक आए हैं, लेकिन ड्यूटी का सवाल है इसलिए आप बंधे हैं। तो थोड़ा सा आपसे भी हमारा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक बार दिल में जो मानवता है उसको भी याद करिए। ऊपर की वर्दी तो याद करना ही है जिसमें सितारे हैं, लेकिन अंदर आपका एक हृदय है जिसमें मानवता की बातें होती है, थोड़ा याद कर लीजिएगा कि मजदूर की समस्या जो होती है वो कभी गलत नहीं होती। बताइए 10 साल से काम कर रहे हैं, कंपनी और ठेकेदार दोनों पल्ला झाड़ रहे हैं, कल को ये मान के चलिए काम करते करते डेथ हो जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए कोई मामूली इनका मांग है। तो जब तक इस तरह का, और देखिए कोई शौक नहीं कि बंद करेगा कोई धरने में बैठेगा, जब नहीं सीधी उंगली से घी निकलता तो इस तरह का एक्शन लिया जाता है। तो ठीक हो धर्मेंद्र दा, थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट हो, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि थोड़ा सा कॉपरेटिव। दोनों की मांग खासकर झारखंड में जेन्युइन ही रहती है, 10 साल से काम कर रहे हैं पर आज अचानक मामूली बात है, पेमेंट आईडी नहीं बनता है, तो नो डाउट आप लोग मोर्चा संभाले अच्छी बात है, लेकिन आप सीएसएफ टीम से हमारी प्रार्थना है जो भी आप एक्शन लेंगे उससे पहले अपने मानवता को एक बार याद कीजिए। बस हम लोग की तरफ बड़ा बाबू हम लोग तो कोई एक्शन नहीं लिया, हम लोग की तरफ से पूछ मेहनत करो तो थोड़ा सा कुछ सबडेशन करो तो नाराज ना होइए, थोड़ा सा काम कर देखा गया थोड़ा सा तुमने देख लिया घंटा का समय हो डिस्कस कर लिए। दादा अगर हमने ना फैसला करो जो मांग जो डिमांड हो ना दे तो तब तक हमने हड़ताल में बैठल रहो, एक कर लिए चाहे जब भूखे मरबो चाहे प्यासे मर जाओ ऐसे मरिए रहो, हम फेंक दिए वो अब ऐसे वो लड़का धुना गिर गए बस अपने के लिए तो सामने बात ले लो एकर जिम्मेवार है तो इस आप डीवीसी वाला अफसर जाइए अपन साथ पॉजिटिव को कीजिए सुन ना जाइए अपन पॉजिटिव कंपनी पर ऐसा लगता है कि ये फोन दर्शन पहले बना कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे रहा, लेबर जो आया जो कॉन्ट्रैक्टर जैसे रिक्वायरमेंट रहा वो रख के दिया, अभी टोटल है 54 अभी इनका डिमांड है, जैसे ईपीएफ गेट पास जो है डिमांड है वो है, तो आज के डेट में यहाँ अभी 3 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं करेंट, अब उनको बोला जा रहा है तो उनको उतना आदमी का रिक्वायरमेंट है, और ये पार्ट एंड पार्सल हैं लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनके साथ ही वही है। तो क्या इनका उपाय क्या करना होगा भाई? तो अगर ईपीएफ ईएसआई बोलिएगा तो वो तो देने का एग्री नहीं, ईपीएफ देने के लिए एग्री नहीं है, आप लोग प्रेशर बनाइए, आखिर कॉन्ट्रैक्टर आपके अधीन ही है ना, आपसे ऊपर तो नहीं है, अधीन है तो उनको इतना लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो उनका वो वर्क है। अच्छा ऐसे कैसे कि मतलब आखिर 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं राजा हैं तो ऐसा तो नहीं, आखिर लोग कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश हैदराबाद कहाँ का, झारखंड में कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है सुनील दा, सब तो झारखंड के नहीं इसमें खोखला खेल रहे, झारखंड में खाली प्रवासी मजदूर रहते हैं नहीं इतना आवश्यकता नहीं, तो फिर इतना और हम लोग के बाद भी और भी मजदूर कहाँ रखे, वो तो अपना हम लोग के बाद भी मजदूर रखा है अपना, पहले 54 से भी ज्यादा मजदूर थे, धीरे धीरे कम हो गया, उसके बाद 54 आया, 54 अभी लगातार काम कर रहा है, तो जैसे जैसे कंपनी आया सब हम लोग को वैसे रखते गया, बीके भी आ रहे ले आया था, एपीएफ काटा था, उसके बाद कोई कंपनी नहीं काटा, 15-20-16 जितने हैं ठीक है रिकॉर्ड दे देंगे उतने लोगों को उस वक्त काटा, उसके बाद एपीएफ किसी का नहीं काटा, अभी भी कंपनी बोल रही है कि 54 आदमी ज़्यादा है, तो 54 आदमी ज़्यादा आप कंपनी का आदमी देखिएगा 25-30 को भरा ले, हम लोग 54 आदमी के बावजूद उसके अलावा ठीक है, लीज की भी अगर आपका है तो वो और आपका सिविल का जितना काम चलता था कलकत्ता जाएगा कैसे बातें बोलते देखिए सर ऑफिस जाएंगे नहीं बात कैसे होगा, डीवीसी का जो है सर सिस्टम है ना मजदूर का जहाँ मामला जाता है ना सर एकदम गंभीर नहीं होता, इन लोग चिट्ठी कब दिया था आंदोलन से 15 दिन पहले चिट्ठी दिया था, उसके बाद देखिए डीवीसी सोचा कि इन लोग अपने दे रहा है इन लोग का कौन लड़ाई लड़ेगा सर, गंभीर से जल्दी डीवीसी करता तो इसको वार्ता करके क्लियर कर देता सर, ये 5 दिन जो आंदोलन में बैठा है आंदोलन नहीं बैठता है ना, ये हमेशा रहा है दादा, कब डिस्कस कीजिए सर, 1 घंटा में जाएंगे ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस जाएंगे कितना देर लगेगा, 10 मिनट ना तब डिस्कस कीजिए, और तब तक लोग बैठा है यहाँ पे
जरूरत होगा तो यहाँ से प्लस राम जी बैठा पीछे पीछे दूर।